तो आज के हमारी इस क्लासेस में हम बातचीत कर रहे हैं एमएस एक्सेस के बारे में और एमएस एक्सेस की क्यूरी पे बात करेंगे। और मेरे साथ गुहेल जी हैं। गुहेल जी, हम क्लास शुरू करते हैं एक्सेस की कुछ सेकंड्स में। ओके। यूट्यूब पे जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही मेरा ऐप है जिसमें सारे वीडियो सिक्वेंस में होते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ले सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो गुहेल जी, हम बात कर रहे हैं आपके साथ क्यूरी की। हमने लास्ट वीडियोज में आपके साथ डिस्कस किया क्यूरी बिजार्ड के बारे में, जहां हमने सिंपल क्यूरी, क्रॉस टर्म क्यूरी, फाइन डुप्लीकेट एंड अनमैच क्यूरी के बारे में डिस्कस किया। तो यहां जो क्यूरी के बारे में दिया गया वो क्या है? ये जो है आपके हमारे सिस्टम में डली हुई जो चीजें हैं, प्री डिफाइंड चीजें हैं, वो आपको बताया। लेकिन मुझे अपने हिसाब से कुछ चाहिए, उसके लिए हम डिजाइन क्यूरी पे जाएंगे। मतलब मुझे क्यूरी के यूज क्यों होता है? डेटा को हमें फिल्टर या कंडीशन या कैलकुलेट करके डेटा को अलग करना है, तो उसके लिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे रिपोर्ट में हो चाहे हो नॉर्मल हो। तो हम डिजाइन क्यूरी पे आते हैं, राइट? डिजाइन क्यूरी पे आने के बाद सबसे पहले जरूरत पड़ता है टेबल इंसर्ट करने की। टेबल का लिस्ट आपको राइट साइड में यहाँ मिल जाता है। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो ऊपर आपको दिख रहा है एड टेबल, इस एड टेबल पे क्लिक करके अपने टेबल को ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। ओके ओके। अब इसमें देखिए, सबसे पहले स्टार दिया हुआ है। स्टार अगर इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टार आ जाता है। तो स्टार का मतलब है ओवरऑल, मतलब स्टार का मतलब क्या है कि जितने भी कॉलम्स हैं सारे के सारे कॉलम्स हमें चाहिए। जितने भी कॉलम्स हैं सारे के सारे कॉलम्स हमें चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स के साथ साथ हमें इसकी कंडीशन भी चाहिए, ठीक है, हमें कॉलम के साथ साथ कंडीशन भी चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जैसे हम डीट्यू पे देखें, सिटी ए है आपका, सिटी है, तो मैं चाहता हूं सिर्फ पटना का डेटा आना चाहिए। तो मैं यहां से सिटी को लूंगा, यहां पे ड्रॉ कर दूंगा और क्राइटेरिया में मैं यहां पे पटना सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं, सेव क्यूरी वन के नाम से, एंड हमने इसको रन किया। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पटना का डेटा आ रहा है। क्लियर है सर? तो जब आप क्यूरी को डिजाइन करते हैं या क्यूरी को आप लिखते हैं, यहाँ से राइट क्लिक के डिजाइन क्यूरी पे जा सकते हैं। तो यहाँ अब मुझे ओवरऑल नहीं चाहिए, मुझे कुछ कुछ कॉलम चाहिए, कुछ कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, कुछ कुछ कॉलम चाहिए और कुछ कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए आप यहां से जो जो कॉलम चाहिए उसका वन बाय वन आप यहां पे रख लीजिए। जिसमें नेम चाहिए, मुझे सिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी चाहिए, मुझे एमआरपी चाहिए, राइट राइट। और इसको जैसे मैं यहां पे सेव किया, सेव करने के बाद अब जो क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो आप जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो नेम, सिटी, क्वांटिटी और एमआरपी आ रहा है। कंडीशन लगाना हो कि मतलब किसी पर्टिकुलर चाहिए तो कंडीशन हम नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं क्राइटेरिया में। हालांकि क्राइटेरिया के बारे में आपको विस्तार से आगे की क्लासेस में समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको इग्नोर करें। अभी बात आती है कैलकुलेशंस की। जैसे मेरे डेटा में आप देखेंगे डीटू नाम का जो हमारा डेटा है, इस डीटू नाम के डेटा पे कहीं भी आपको अमाउंट नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि 84 क्वांटिटी 20 रुपए के हिसाब से बेची गई है, तो कितना अमाउंट होगा? अब मुझे इसमें जो है कैलकुलेशन करना है, तो डेटा में हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। डेटा के अंदर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि मेरा डेटा किसी और सॉफ्टवेयर फाइल या डेटा से लिंक है। So we are not want to change anything in my data. तो क्यूरी के अंदर हम चेंजिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे, तो इसे मुझे हेडिंग देना है जैसे अमाउंट का, तो अमाउंट दिया अमाउंट, और यहाँ पे हमें सेमी कॉलम देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में एमआरपी,
इस तरह से लिखना है। फील्ड नेम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, हालांकि राइट क्लिक करके जूम पे क्लिक करेंगे तो आपको बड़ा दिखेगा, यहाँ भी आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। एंड ओके देन ओके एंड यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं, अब मैं यहाँ क्वाड्रेंट इसको रन करता हूँ, इसको क्यूरी को, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट हमारे सामने आपको दिख रहा है। ठीक है सर? हाँ ठीक है। आप मुझे इसमें और भी चेंजिंग करने हैं, जैसे कि हमने डिजाइन में गए, मान लीजिए मुझे इसका जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी और स्क्वायर ब्रैकेट हमने दिया, सॉरी सेमी कॉलन कॉलन दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, मुझे 18% देना है, तो यहां पे परसेंट का सिंबल नहीं चलता है, तो 0.18 समझे, या फिर 18/100 आप ले सकते हैं। उस तरह से मुझे यहां पे चाहिए टोटल, इन दोनों का टोटल अमाउंट, तो हम टोटल यहां पे सेमी कॉलन किए और यहां पे हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में अमाउंट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में जीएसटी, राइट राइट, और यहां हम इसको सेव करते हैं। अब डबल क्लिक करके ओपन कीजिए, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? तो डाउट इसमें? क्लियर नहीं, यस अभी क्लियर हो गया सर। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं, राइट राइट। तो इसमें अब बात आती है कि क्या हम इसमें प्लस माइनस ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। देखिए इसमें हम बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलेज आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं? इन फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? Right. और साथ में हम अपनी मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो हमारा मैथमेटिक फॉर्मूला है, हम उस मैथमेटिक फॉर्मूला का भी कर सकते हैं। ओके ओके सर, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं सर। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। सर मुझे एक पूछना था कि दो डेट से दो डेट में और डे कैलकुलेट कैसे होते हैं सर? माइनस कर दीजिए लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखिए ना, अब मुझे यहाँ पे पता करना है डेज, राइट? हाँ। मतलब कि जो डेट यहाँ डाला हुआ है, ये डेट और आज के डेट में क्या डिफरेंस है, तो लेटेस्ट डेट जो है वो तो आज की डेट है, तो हमारे पास डेट का फॉर्मूला होता है। इस पे एक मिनट, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और जाना है बिल्ड पे, ठीक है? बिल्ड में फंक्शन, इनबिल्ड फंक्शन, यहाँ डेट एंड टाइम फंक्शन में यहाँ डेट का फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है डेट का फॉर्मूला? रिटर्न द वेरिएंट टाइप द कंटेन द करेंट सिस्टम डेट, ठीक है? ठीक है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से अप्लाई होगा। तो यहाँ कर दीजिए आप यहाँ पे डेट माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में डेट, ठीक है? और इसके हेडिंग होना चाहिए ना यहाँ पे, ओके करेंगे तो यहाँ देखिए एक्सप्रेशन वन करके आ गया ना आपका, ये एक्सप्रेशन वन को हटा के यहाँ पे डाल दीजिए अपना हेडिंग डेज। अब यहाँ इसको मैं क्लोज करता हूँ, आ गया? ठीक है सर, आ गया डेट। तो आप बोलेंगे कि हमारे इस डेटा में कहीं डेज तो नहीं है, तो देखिए इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जब क्यूरी बनाते हो तो आपने क्यूरी को विजुलाइज करने के लिए कौन कौन से फील्ड रखे हैं। अब कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला लगाना है किसी फील्ड पे, कंडीशन लगाना है किसी फील्ड पे, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ साउथ जोन का डेटा चाहिए, लेकिन मैं अपने डेटा में दिखाना नहीं चाहता हूं कि साउथ जोन है, तो मैंने यहाँ पे जोन को, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एरिया को हमने रख दिया, और एरिया में यहाँ क्राइटेरिया दिख रहा है सर, क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पे साउथ दे दिया, राइट? अब ये टिक मार्क लगा हुआ है,
इसका आगे देखिए शो लिखा हुआ है, शो लिखा हुआ है। हाँ अगर मैं इनको अनचेक कर देता हूं तो क्या होगा कि सिर्फ मुझे मिलेंगे तो साउथ के डेटा, लेकिन यहां एरिया का कहीं नाम निशान नहीं रहेगा, क्योंकि हमने डिजाइन क्यूरी में शो वाले चेकबॉक्स को अनचेक कर दिया। और डेटा हमारा कंडीशन हमारा परफॉर्म करेगा पर रिजल्ट में वो विजुलाइज नहीं होगा। ओके ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर क्लियर। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे इससे 8-10 रिपोर्ट बना के दिखाइए।